उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए तमाम पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं सत्ता बरकरार रखने भाजपा भी जोरों शोरों से जुटी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के बबीना में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी राजीव सिंह पारीछा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी चुनावी सभा में शामिल हुए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें बुंदेलखंड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बता दें, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया, साथ ही साथ कहा कि यदि आपको अपने बच्चों का भला करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और यदि आपको सपा के नेताओं के बच्चों का भला करना है तो अखिलेश यादव को वोट करें। बबीना और बसई दो बदन एक जान है। लोग मानते हैं कि अगर आपके पास में पैसा जाना है तो बीएसपी का टिकट मिल जाएगा, अपराध अगर जाना है तो सपा का टिकट मिल जाएगा, और दोनों नहीं है तो कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा, और मन के अंदर राम और राष्ट्रवाद है तो भाजपा का टिकट मिल जाएगा राजीव सिंह। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी के बेटे की आपको चिंता हो तो सपा को जिताना, सोनिया जी गांधी के बेटे की चिंता हो तो कांग्रेस को जिताना, अजीत सिंह के बेटे की चिंता हो तो आप सारे के सारे लोग चौधरी को जिताना, और अपने अपने बेटों की चिंता हो तो भाजपा को जिताना, राजीव सिंह को जिताना, योगी और मोदी जी को जिताना। जितने भी परिवारवादी लोग हैं ये कभी भी समाज का हित नहीं कर सकते। ये हमको आपको जातियों में बांट करके वोट हथियाने की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम वोट हटाना है और कुछ नहीं करना है। ये याद रखना मेरे साथियों कि अगर अखिलेश की पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो सबसे पहले जेल से मुक्त होंगे मुख्तार अंसारी, आजम खां मुक्त होंगे, और अगर राजीव सिंह जीतेंगे, योगी जी की सरकार बनेगी, तो मथुरा में कृष्ण भगवान की जन्मभूमि होगी। ये दो धाराएं हैं राजनीति की, इनको समझो और इन दो धाराओं के तहत काम करो।